अब हम देखते हैं बीटा डीके, बीटा डीके कैसे होता है, व्हाट इज बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन? बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास एनर्जी जो होती है वो एमईवीज में होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी आगे जाके हम पढ़ेंगे वह केवल 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उसके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो बीटा पार्टिकल का ई बाय एम दैट इज चार्ज टू मास रेशियो जो होता है वो क्या होता है, आप देखिए, ई दैट इज द चार्ज बाय मास, चार्ज बाय मास रेशियो इज मोर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ई बाय एम रेशियो इज लेसर फॉर बीटा पार्टिकल, दिस इज द बेसिक डिफरेंस, क्योंकि मास गोज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीड, हाई स्पीड पर मास इंक्रीज हो जाता है, दैट इज ड्यू टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूं, मास इज बेसिकली रेस्ट मास डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन वी इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। सो बीटा पार्टिकल आर डिफरेंट टू इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब रुक जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। और देर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा पार्टिकल, वन बीटा निगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। दैट मीन्स बीटा निगेटिव इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन फैक्ट, एंड बीटा पॉजिटिव इज पॉजिट्रॉन्स, मेड विथ पॉजिट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस से कैसे बाहर आ रहे हैं भाई? यू हैव अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन कहां से आया? 1932 तक यह माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन उसके बाद यह प्रूफ हो गया, न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई थी यह प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आता है, वहां से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है या पॉजिट्रॉन कैसे निकलता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां एक बात ध्यान से देखिए, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का चार्ज देखें तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज बैलेंस हो गया, तो यह चार्ज कंजर्व है। इस रिएक्शन में आप देखिए चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता दिखता था, लेकिन एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। जब न्यूट्रिनो की डिस्कवरी हो गई, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर एक बार लगा होता है, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो का बहुत ही कम मास होता है, मास इज वेरी स्मॉल, एक इलेक्ट्रॉन के मास से भी 1 लाख गुने से छोटा होता है, इतना मान के चलिए आप, इट इज वेरी स्मॉल मास, ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल। तो एंटी न्यूट्रिनो का मास बहुत कम होता है, लेकिन इसका स्पिन होता है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है उसका और एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो में बेसिकली स्पिन का डिफरेंस है, स्पिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिनो अगर ऐसा स्पिन कर रहा है, अगर आप उसे जाते हुए देखेंगे, पीछे से देखेंगे तो ऐसा स्पिन करता हुआ दिखाई देगा, जा जरूर रहा है लेकिन एक्सिस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, तो न्यूट्रिनो अगर ऐसा स्पिन कर रहा है तो एंटी न्यूट्रिनो उसके अपोजिट स्पिन कर रहा है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट इसका स्पिन होगा, तो यह एंगुलर मोमेंटम भी बैलेंस हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पिन सेम डायरेक्शन में, दोनों रोटेटिंग पार्टिकल से, दोनों इस तरह से रिवॉल्व होते रहते हैं अपनी जगह पर, जैसे हरभजन सिंह की बॉल स्पिन होती है, गोल गोल घूमती है, तो हरभजन सिंह की जो बॉल गोल गोल घूमती है वैसे ही हमारा न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सभी स्पिन करते हैं, और सबका स्पिन
होता है, वन स्पिन मीन्स एच अपॉन टू पाई, हाफ स्पिन दैट मीन्स एच अपॉन फोर पाई, वेयर एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट। तो एच अपॉन टू पाई स्पिन भी बहुत छोटा होता है, लेकिन इतने छोटे पार्टिकल के लिए भी काफी बड़ा स्पिन हो गया वो। और इसी तरह से न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के लिए भी स्पिन बहुत छोटा होता है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता है, और इसी एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी के बाद में यह पॉसिबल हुआ है। एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी के बाद में यह पॉसिबल हुआ है कि हम सारी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आपका बीटा पार्टिकल बाहर आएगा, बीटा पार्टिकल की एनर्जी का ग्राफ अगर आप देखें तो बीटा पार्टिकल हैज द एनर्जी ग्राफ लाइक दिस, सर्टन मैक्सिमम एंड देन दिस इज द इंटेंसिटी वर्सेस एनर्जी ग्राफ। ज्यादा एनर्जी है इधर तो कम है उनकी नंबर, नंबर मतलब इंटेंसिटी, और हाईएस्ट इंटेंसिटी आपको एक इंटरमीडिएट लेवल पर मिलेगी। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ द बीटा पार्टिकल्स थ्रू अ न्यूक्लियस। बीटा पार्टिकल के अलावा यहां पर पॉजिट्रॉन भी इमिट होता है, उसे बीटा प्लस डीके कह सकते हैं आप, या पॉजिट्रॉन डीके भी कह सकते हैं। तो पॉजिट्रॉन डीके कहें या बीटा प्लस डीके कहें, एक ही बात है मेरी नजरों में। होता क्या है वहां पर, यह बात समझना बड़ा आसान है। वहां पर पॉजिट्रॉन इमिशन हो रहा है और वहां पर एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन के साथ साथ उसका जो चार्ज कैरियर है वो चार्ज कैरियर होता है पॉजिट्रॉन। आप देख सकते हैं यहां चार्ज प्लस वन है जबकि यहां चार्ज जीरो है, यह प्लस वन चार्ज हो गया, दैट इज द चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, बट मैग्नीट्यूड इज बट द साइन इज पॉजिटिव, द चार्ज का टाइप जो है वो पॉजिटिव टाइप है। प्लस वॉट यू विल सी हियर, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इट इज ए न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल आप देख सकते हैं यहां पर। तो इनका स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए यह स्पिन इसके अपोजिट होगा, यह स्पिन इसके अपोजिट होगा और स्पिन कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यह स्पिन कैंसिल हो जाएगा, इसका स्पिन इसके इक्वल है, स्पिन मतलब एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो गया यहां पर। तो यह इक्वेशन आपको याद रखना चाहिए क्या क्या किससे किससे बन रहा है, और पॉजिट्रॉन डीके भी इस तरह से होता है। क्या होता है अल्फा पार्टिकल डीके से और बीटा पार्टिकल डीके से? ऑन बीटा डीके एन बाय पी रेशियो क्या होता है, एन बाय पी रेशियो का क्या होता है? बीटा पार्टिकल जब डीके होता है, निगेटिव बीटा की बात कर रहा हूं, तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन जाता है, न्यूट्रॉन कम हो जाता है, प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो डिक्रीजेस। एन बाय पी रेशियो अगर जरूरत से ज्यादा है तो वहां पर बीटा निगेटिव डीके हो जाएगा और एन बाय पी रेशियो डिक्रीज हो जाता है। तो यह देखना बड़ा आसान है, आप खुद समझ सकते हैं निगेटिव बीटा डीके क्या हो रहा है। जब आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, न्यूट्रॉन कम होगा प्रोटॉन बढ़ेगा, तो डिक्रीजेस, एन बाय पी रेशियो डिक्रीजेस। तो इसके अपोजिट फॉर बीटा पॉजिटिव डीके एन बाय पी इंक्रीजेस। दैट इज वेरी सिंपल थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस ऑल। और बीटा डीके से क्या हो रहा है, अल्फा डीके से क्या होता है? अल्फा डीके से एन बाय पी रेशियो अगर बहुत ज्यादा है तो वो, जबकि अल्फा डीके में एन बाय पी रेशियो जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूट्रॉन भी कम होते हैं दो और प्रोटॉन भी दो कम होते हैं, तो वह इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा है। और जब आपको यह बात पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स की बात है, आप इसको चेक कर सकते हैं मेरी बात को, एन बाय पी रेशियो का क्या होगा जब एन इज ग्रेटर देन पी एंड बोथ इज रिड्यूस बाय टू। यू कैन चेक, यू कैन टेक सम वैल्यूज ऑफ एन एंड पी एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन। दिस इज वेरी सिंपल, एन बाय पी रेशियो इंक्रीजेस, एन बाय पी रेशियो इंक्रीजेस ऑन अल्फा डीके। और बीटा डीके से क्या होता है, बड़ी छोटी सी बात, रदरफोर्ड सॉडी रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक एलिमेंट है एक्स, एटॉमिक नंबर उसका जेड है और एटॉमिक मास नंबर ए है, ऑन बीटा इमिशन क्या होता है? बीटा इमिशन होता है तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन जाता है, इसका मतलब यहां एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो जाएगा, नया न्यूक्लियस बन गया है, और ए विल नॉट चेंज, मास नंबर विल नॉट चेंज, बिकॉज न्यूट्रॉन बने या प्रोटॉन बने
न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बने या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बने, आपका ए विल नॉट चेंज, प्लस माइनस वन जीरो, बिकॉज मास नंबर फॉर इलेक्ट्रॉन इज जीरो एंड चार्ज इज माइनस वन, सो टोटल चार्ज यू कैन सी दिस इज बैलेंस नाउ। और इसी तरह से पॉजिट्रॉन इमिशन के लिए भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट। पॉजिट्रॉन इमिशन बहुत कम एटम्स के केस में होता है, और बीटा डीके जो देख रहे हैं आप